लगातार बारिश के चलते एनडीआरएफ ने नर्मदा किनारे के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जरूरत पड़ने पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैसे काम किया जाए इस पर चर्चा की। बारिश के कारण होशंगाबाद जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी के चलते नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स ने जिला प्रशासन के साथ पिपरिया, सांडिया, सुहागपुर, बाबई के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से जानकारी ली। एनडीआरएफ के स्टेट कोऑर्डिनेटर राम कुमार मालवीय ने जानकारी दी कि होशंगाबाद जिले के ग्रामों में जाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया है। साथ ही आपदा के समय हमारी टीम कोविड 19 के संक्रमणों की रोकथाम के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रही है। कि हम लोग 11 एनडीआरएफ वाराणसी से हमारा हेडक्वार्टर है और हमारा जो हम लोग ऑल ओवर एमपी कवर करते हैं और हमारी एक टीम जो है भोपाल में डिप्लॉयमेंट है ईदगाह हिल्स में और दूसरी हमारी टीम जो है श्यामला हिल्स में डिप्लॉयमेंट है और होशंगाबाद का आज हमारा रैकी था, दौरा था। तो इस रैकी में हम लोग ने अभी पिपरिया और पिपरिया के बाद सांडिया और सिवनी ये जो फ्लड प्रोन इलाके हैं इन लोगों का हम जगह का दौरा किया जिसमें एसडीएम साहब भी साथ में थे हमारे। तो उनके साथ जाकर के पटवारी साहब उनका पूरा स्टाफ हमारे साथ में था, वहाँ जाकर दौरा किया कि वहाँ पर पहले कब फ्लड आया था और अभी क्या आने की संभावना है, अगर आता है तो वहाँ की तैयारियाँ क्या है लोकल प्रशासन की और उनके साथ अगर ऐसा फ्लड अगर आ जाता है तो एसडीआरएफ को भी कॉल करते हैं, उसके बाद फिर एनडीआरएफ को भी बुलाया जाता है। तो हमारा पर्पस ये है कि इस रैकी के द्वारा हम लोकल प्रशासन से और स्टाफ से संपर्क बना कर रखें, सामंजस्य बना कर रखें ताकि आने वाली आपदा से लोकल हमारा अगर संपर्क बना रहेगा अच्छे से तो हम जो आने का रास्ता है लोकल जगह है ये हमें। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।